नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे बुक कलेक्शन के बारे में। और अभी जैसे 2022 स्टार्ट हुआ है तो अभी मेरे पास कौन कौन सी बुक्स हैं और आगे चलते जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे हम बताते जाएंगे, बट फिलहाल अभी मेरे पास कौन सी बुक्स हैं उस सब के बारे में बात करेंगे। और मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारी बुक्स रखी हैं, एंड लेट्स गेट इन द वीडियो। बट उससे पहले एक आपको चीज बता दूं जो कि मेरे को बहुत मेहनत लगी जो करने में, वो है ये, देख लीजिए। जजमेंट करना, अभी मेरा ये देखो बुक्स निकालनी शुरू की होगी, यहाँ पर लानी है, सेटअप करना है पूरा। चलो काम पे लगते हैं जल्दी से। तो अभी कोई ऑर्डर में नहीं है बुक्स, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, मैं आपको ऐसे रैंडमली दिखाता जाऊंगा। बट उससे पहले मैं सोचा था कि स्टोरी बता दूं कि कैसे मैं इस बुक कलेक्शन में आया और वो सब। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें तो आप वीडियो में आगे स्किप कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प नीचे आपको स्टोरी से मिल जाएगा तो आप उस पर आगे आगे स्किप कर लेना। बट फिलहाल आई वॉन्ट टू टेल यू द स्टोरी। और आगे मैं वीडियो में ये बताऊंगा मैं कौन सी बुक रिकमेंड करूंगा किसी बिगिनर को, और एक बुक आपको मोटिवेशन के लिए कौन सी पढ़नी चाहिए ये भी मैं रिकमेंड करूंगा। तो वो सब देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। बट अगर आपको स्टोरी स्किप करनी है तो वो आप कर सकते हो, सीधा बुक कलेक्शन में जा सकते हो। तो ये बात कर लेते हैं मेरी बुक कलेक्शन जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो मेरे पापा बहुत बुक्स पढ़ते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, 9th 10th तक तो मेरे को मतलब नॉवल बुक्स चाहे पढ़ाई की हो गई चाहे ये हो गई बिल्कुल नहीं पसंद थी। बट धीरे धीरे वो होता ना, कभी एक बुक उठा ली अच्छी लगी यार, और चाहिए और चाहिए, और वो एस्थेटिक बंद एक बुक शेल्फ में बुक्स अच्छी लग रही हैं, वहाँ एस्थेटिक्स अच्छे लग रहे हैं, उस पर भी मैं बुक्स लेता था। लगता है भाई 400-500 रुपये खर्च कर दिए तो पढ़ भी लेते हैं। तो धीरे धीरे पढ़नी भी स्टार्ट कर दी वहाँ से, और वहाँ से जो मेरा वो बनाया ना कि भाई बुक्स बुक्स बुक्स। प्लस मेरी सोसाइटी के पीछे एक बंदा था जो बुक्स आपको मतलब खरीदते तो पूरे प्राइस पे थे, उसको जब रिटर्न करते थे तो 70-80% काट के बाकी आपको दे देता था। मतलब जैसे 100 रुपये की बुक ली तो 20 रुपये मतलब 20 रुपये कोई पड़ती थी आपको, तो पढ़ के वापस दोगे तो 80 रुपये में वापस ले लेता था। तो ओवरऑल मेरे को बुक 20 रुपये में पढ़ने को मिल जाती थी, तो वहाँ से और बुक्स पढ़ना स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे बुक कलेक्शन भाई, क्योंकि बुक शेल्फ अच्छी लगानी है तो बुक कलेक्शन भी स्टार्ट कर दी। तो ये थी मेरी एक छोटी सी जर्नी। अब चलते हैं हमारी बुक, देखते हैं कौन कौन सी है मेरे पास, पूरी कलेक्शन देखते हैं। और जैसे मैंने कहा कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, तो जैसे मैंने रैक से निकाली यहाँ पर रखी है उसी ऑर्डर में आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहली बुक क्रिंज मत करना, गेम ऑफ थ्रोन्स भाई, चाहिए थी ये जब season 1 देखना स्टार्ट किया था। और हाँ, मैं उनमें से नहीं हूँ जो गेम ऑफ थ्रोन्स हाइप होने के बाद जिन्हें देखा था, मैं जब season 3 आया था तब से देख रहा हूँ। तो इंडिया में तो बिल्कुल हाइप नहीं था, मैं तब से देख रहा हूँ। तो ये नहीं है कि गेम ऑफ थ्रोन्स हाइप होने लगा इसलिए मैं देखना शुरू किया था और बुक ले ली। season 2 देखने के बाद मैंने कहा भाई बुक लेनी है, तो पहले ये बुक ले ली फर्स्ट पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगी बुक्स हैं, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सोच रहा हूँ कलेक्ट करूँ। बट वही है, पूरी देख ली है तो फिर उसके बाद मन भी नहीं कर रहा। बट लेट्स सी, कलेक्शन पूरा करेंगे। अगर आप सस्ते में से 100 रुपये में बेच रहे बुक तो मैं आपसे ले लूँगा, DM कर देना इंस्टाग्राम पे। दूसरी बुक चलते हैं, ये है टूल्स ऑफ टाइटन्स। ये मैंने नहीं खरीदी है, मेरे एक दोस्त है अर्चित, उसने मुझे गिफ्ट करी है। मैं उसके घर गया था, मैंने बुक देखी तो उसके पास एक्स्ट्रा कॉपी थी, उसने मेरे को दे दी। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। और मेरे कैमरा की बैटरी खत्म होने वाली है, नाइस। तो जब देखते हैं कितनी बुक्स हम तब तक कवर कर पाते हैं। तो ये थी टूल्स ऑफ टाइटन्स। फिर अब देखो अगली जो दो बुक है ना, ये पार्ट है, 3-पार्ट सीरीज के बुक है, ये एल्डेस्ट है। ये दोनों बुक्स जो है ये 3-पार्ट सीरीज हैं बुक्स की, उसकी पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मुझे नहीं मिला एंड आई एम रियली रियली लुकिंग टू दैट बुक। इसका फर्स्ट पार्ट भी मिल जाए तो मेरा पूरा सेट कम्प्लीट हो जाए। हार्ड कवर में ही चाहिए मेरे को वो बुक भी, तो ये पूरा हार्ड कवर का सेट इसका पूरा हो जाए। इस पर मूवी भी है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट की मूवी है तो मेरे को अभी फर्स्ट पार्ट मिली नहीं, तो मैंने पढ़नी स्टार्ट नहीं करी इन दो बुक्स। फर्स्ट पार्ट मिलेगी तभी करूँगा, मेरे को बहुत टाइम से पढ़नी थी, मेरे को 2 पार्ट मिल गई हैं, फर्स्ट का वेट है, और मेरे को हार्ड कवर में ही चाहिए 3 बुक्स। तो इसलिए रुकी हुई हैं, पढ़ के बताऊँगा कितनी अच्छी हैं कितनी बुरी। फिर ये मेरी पहली हार्ड कवर बुक आपको दिखाता हूँ, ये थी सबसे पहली जो हार्ड कवर में, ये मेरे को पापा ने ला के दी थी, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। मेरे को हिस्ट्री से ही, मैंने बेसिकली इंडियन हिस्ट्री से बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया है, और ये पहली बुक थी जो मैंने पढ़ी थी, पूरी अच्छी खासी बड़ी बुक जो मैंने पूरी पढ़ी थी, और हार्ड कवर मेरी पहली ये थी। तो ये पप्पा जी ने ला के दी थी तो मैंने पढ़ी थी, और उसके साथ वो ये वाली बुक भी लाए थे, जवाहरलाल नेहरू वाली। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये दोनों अच्छी बुक्स हैं, काफ़ी अच्छी हैं। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानना है तो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड देम। और अगर गेम ऑफ थ्रोन्स पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, इट्स अ रियली रियली नाइस बुक, राइटिंग काफ़ी अच्छी है और सीरीज से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ये है द सिल्क रोड, हाँ काफ़ी अच्छी बुक है, एंड मैं ये सबको रिकमेंड करता हूँ भाई, लोग पढ़ते नहीं है पता नहीं क्यों इस बुक को, बट आई रियली रिकमेंड द सिल्क रोड टू एवरीवन आई मीट। फिर जिनको नए बुक्स में पढ़ना स्टार्ट करना है उनके लिए काफ़ी अच्छी बुक्स है, बुक्स से कह रहा हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है, ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरीज, काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं इसमें, एंड यू विल रियली एंजॉय रीडिंग दी स्टोरीज। अब जो नेक्स्ट बुक है वो मेरी जब मैं पढ़ना स्टार्ट की थी तब की है,
मेरी एक दोस्त ने दी थी एंड उसने कहा था पढ़ के वापस कर दी हीट पे लव, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ये फेमस थी लड़कियों में। मैंने क्यों पढ़ी, क्योंकि उसके पास थी, उसने मेरे को दे दी, तो मैंने पढ़ ली, उसको वापस करनी है और मैं हमेशा भूल जाता हूँ। कई सालों से मेरे पास पड़ी है भाई, 6 साल पता नहीं कितने साल से मेरे पास पड़ी है, उसको वापस कर दूंगा कभी ना कभी। तो फिर द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये मेरे को कुछ खास अच्छी लगी नहीं, काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छी लगी थी, मेरे को ओकेश टाइप की लगी है। तो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस बुक, बट हाँ आई स्टिल हैव अ कॉपी, पेजेस बस येलो हो गए इसके यार, दुख हुआ मेरे को। इस बुक की स्टोरी अगर आप गेस कर सकते हो नाम से तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। अब अगली 3 बुक है जो ये मर्डर वर्डर पे मैं लेके आया था, अगली 2 बुक सॉरी मर्डर वगैरह के लिए देके आया था। ऐसी मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी बुक्स नहीं है, रेनाउंड बुक्स नहीं है, बट दीज आर रियली गुड शॉर्ट स्टोरीज, या आपको थोड़ी बहुत मर्डर वगैरह पढ़ना है तो उसके लिए। फिर ये बुक मैंने कभी ख़त्म नहीं करी एंड आई रियली वॉन्ट टू फिनिश इट, आइकॉन। हर बार मैं आधी पढ़ के छोड़ देता हूँ, पता नहीं क्यों, कोई और बुक आ जाती है जो मैं इसके बाद पढ़ने लगता हूँ। एंड आई थिंक I have not done justice to this book. मेरे को पढ़नी है बुक पूरी, कभी ना कभी वो टाइम आएगा। अब बात कर लेते हैं इन बुक्स के बारे में। तो ये कुछ अच्छी बुक्स हैं और ये बुक्स सारी मैं सबको रिकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए। पहली ये इकिगाय, अब मैं कहूँगा इकिगाय थोड़ी सी ओवर हाइप लगती है मुझे, मतलब जितनी इसको हाइप किया गया उतनी हाइप के वर्थ नहीं है, बट वहीं अगली बुक जो है वो अपने हाइप के वर्थ है और वो है द सीक्रेट और इसके बाद द अल्केमिस्ट। ये दोनों बुक भाई इनके हाइट के वर्थ है एंड आई मस्ट से यू गाइस शुड रीड दीज 2 बुक्स फॉर श्योर। अब ये अगली 2 बुक्स अगेन अर्चित ने मुझे रिकमेंड करी थी, उसने नहीं दी थी, उसने मुझे रिकमेंड करी थी, मैंने उसके पास देखी थी और उसने कहा था काफ़ी अच्छी है नॉर्विन वर्ल्ड और ये, तो दोनों मैं ये तो मैंने पढ़ ली है, ये जैसा कि आप देख सकते हो मैंने पढ़नी स्टार्ट करी है, आई एम करेंटली रीडिंग दिस। और पढ़ने के बाद अगर आपको चाहिए कि मैं बताऊँ कैसी थी तो कमेंट्स में बता देना, बट काफ़ी अच्छी राइटर है भाई साहब, मज़ा आ गया, राइटिंग बहुत अच्छी। अब अगला सेट स्टार्ट करने से पहले, अब ये सेट्स मैं इसलिए हैं क्योंकि ऐसा ना मैं रैक में आगे बुक्स रहती हैं पीछे बुक्स रहती हैं, तो मैंने इसलिए वैसे निकाल कर रखी हैं, तो सेट्स में अपने आप आ गई हैं। तो सेट में पहली दो बुक्स होंगी, वो दोनों डैन ब्राउन की बुक है, द सिंबल है और दूसरी है शायद डिसेप्शन पॉइंट। हाँ, तो ये दोनों बुक्स मैंने, डैन ब्राउन का एक फेज़ आया था सबका, मतलब मेरे ख्याल सबका ही आया होगा जब डैन ब्राउन चल रहा था, तो मैंने तब ली थी। फिर एक बुक है जो कि अगेन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हाइप थी, इतनी हाइप की वर्ड नहीं थी, द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, आई डोंट थिंक ये हाइप की वर्ड थी या नहीं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक मेरे को अच्छी लगी एंड दिस इज़ वर्थ द हाइप, अगर आप उस हाइप ट्रेन में थे तो। अगेन अ रियली गुड बुक एंड आई रिकमेंड दिस बुक टू एवरीवन, द आर्ट ऑफ वॉर। मतलब अगर आपने ये बात बुक के बारे में नहीं सुना है, नहीं पढ़ी है, तो आई वुड रिकमेंड अभी जाके पढ़ो। फिर मैं ये अमेजोन पे ऐसे ही देख रहा था एज अ मैन थिंक इट एंड इट्स अ रियली गुड बुक, काफ़ी शॉर्ट रीड है एंड इट्स अ रियली रियली गुड बुक। ये बुक तो सबने सुनी होगी, रिच डैड पुअर डैड, दिस इज द मोस्ट आइकॉनिक बुक आई वुड से, सबको सुननी होती है, मोस्ट लोगों के पास एक ना एक कॉपी होती है। मेरे पास इसकी 2 कॉपी थी, एक मैंने अपने दोस्त को दिया और एक ये कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है एंड दिस इज अ रियली गुड बुक। फिर हमारी, अब मैं सब बुक्स के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि भाई बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, अभी मैं देख रहा हूँ 10 मिनट कुछ की हो गई है, तो कुछ बुक्स जो सबको पता होती हैं उनके बारे में उतनी बात नहीं करूंगा। फिर अगली 2 है रॉबिन शर्मा की, रॉबिन शर्मा मुझे लग रहा है थोड़ा सा ओवर हाइप हो गया है अब, बट इनिशियल बुक्स भी काफ़ी अच्छी थी। अगेन अ शॉर्ट रीड, सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि आपको पता है मेरे को हिस्ट्री के बारे में जानना पसंद है, तो सुभाष चंद्र बोस की एक बुक मैंने ली थी, छोटी सी ऐसी, मेरे को सस्ती सी, कितनी 150 रुपये की बुक है, ऐसी मॉल में घुसा ले ली, दैट्स व्हाई अवॉइड बुक शॉप्स, जाऊंगा कुछ ना कुछ लेके आऊँगा। फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या ऐसा कुछ है, क्योंकि आजकल सब लोग कर रहे हैं, तो ये बुल बेयर काफ़ी अच्छी बुक्स है, इसमें आपको काफ़ी अच्छी स्टोरी के फॉर्म में सब कुछ समझाया गया है, सब कुछ समझाया गया है, तो आप देख सकते हो। अब सिडनी सेल्डन की है मेरे पास द टाइड ऑफ मेमोरी, ये भी सिडनी सेल्डन का एक टाइम आया था, तब की ली हुई है जब सिडनी सेल्डन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी। फिर लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ये काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आपको इंडिया के बारे में अच्छे से जानना है, तो आई डू रिकमेंड दिस बुक टू एवरीवन हु वांट्स टू नो अबाउट इंडिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट, और बैटरी भाई साहब रेड पे ब्लिंक हो रही है, चल जाए बस पूरी वीडियो तक। और अगली सेट में जाने से पहले मैं बता दूँ, मैं सोच रहा हूँ एक अनहॉल करने का, तो मैं कुछ बुक्स गिव अवे कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारी जो मैं दोबारा रीड नहीं करूंगा और लाइक बर्बाद होने से अच्छा किसी को पढ़नी है उसके पास चली जाए, तो अनहॉल करूंगा मैं, तो वो वीडियो कब आएगी उसके अनाउंसमेंट वगैरह, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तो मैं आपको पता चल जाएगा जब भी वो वीडियो आएगी, बट नहीं भी करोगे तो कभी कभी आके देखते रहना अनहॉल की वीडियो। तो अगले सेट की पहली बुक है द पैलेस ऑफ इल्यूजन, ओह दिस बुक
दिस बुक आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू गो बाय रीड राइट नाउ. मतलब क्या बुक है भाई साहब. फिर अगली है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर. अब ये हो सकता है पॉलिटिकल एजेंडा पे लिखी गई है, इसकी मूवी भी आ गई, तो आई डोंट नो. फिर अभी अगली हैं एक दो तीन, अगली तीन बुक्स हैं ऑटोबायोग्राफी, तो देख लो किस किस की हैं. तो ये तीनों ऑटोबायोग्राफी हैं, और मतलब बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफी तो नहीं, बायोग्राफीज हैं, तो यू कैन चेक देम आउट इफ़ यू वॉन्ट. फिर हैं दो डायरी ऑफ पिकेट, ये मेरी इनिशियल रीडिंग डेज की बुक्स हैं. तो इनिशियली आई वुड रिकमेंड आप ऐसे बुक्स से स्टार्ट करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी रीडिंग हैबिट में आने में. फिर अगेन द हॉन्टेड स्टोरीज, मैंने वही हॉन्टेड स्टोरीज पढ़ने का बीच में मन किया था तो ली थी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट. तो पहली है अ मर्डर अनाउंस, अगाथा क्रिस्टी की काफ़ी पुरानी बुक है, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पापा की बुक थी, मैंने अपने कलेक्शन में डाल दी है. फिर सिडनी सेल्डन की भी, ये भी पापा की कलेक्शन की थी, मैंने अपने कलेक्शन में डाल दी है. ये है लॉर्ड ऑफ द फ्राइल, ये मतलब ठीक बुक है, कोई खास कोई बेकार नहीं. नाउ आवर आइसबर्ग इज मेल्टिंग, अगेन पापा के कलेक्शन की काफ़ी अच्छी बुक थी, मैंने अपने कलेक्शन में ऐड कर ली है उठा के. ये बुक काफ़ी अच्छी है, आपको आपको पढ़नी चाहिए. अगेन पापा के कलेक्शन की पोअर लिटिल रिच सम, काफ़ी अच्छी बुक है, सोसाइटी के बारे में काफ़ी कुछ सिखाती है आपको. फिर ये मेरे इनिशियल रीडिंग डेज जब स्टार्ट हुए तब की है, अ हाफ बेक लव स्टोरी. एक लव स्टोरी है, अब मैं इसको दोबारा शायद ना पढ़ूँ, बट इट्स अ गुड बुक, यू कैन रीड. फिर इनविजिबल मैन मैं पास रखी हुई थी तो मैंने कहा दिखाई दूँ. माई गीता काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है बुक, बट द राइटर इट्सेल्फ इज़ काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल, बट अच्छी बुक है, इट्स अ गुड रीड. दो मतलब पॉइंट्स के बारे में एग्री करता हूँ या नहीं, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, बट इट्स अ गुड रीड. द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, गुड बुक, आई वुड रिकमेंड इट, नॉट टू एवरी वन जो इस जॉनर की बुक्स पसंद करते हैं सिर्फ उनको. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट, एंड दिस सेट माइट बी माई फेवरेट सेट, क्योंकि ओके आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ. पहले इसमें है मेरे पूरा अमीश कलेक्शन, फिर वायम हिंदू और एक भगवद गीता है, डोंट जज मी. पर यह है राम सीता रावण. आई रियली लाइक्ड अमीश की राइटिंग, सो मैंने पहले राम पढ़ी, सीता पढ़ी, फिर मेरे को भाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई अमीश की राइटिंग, तो फिर पूरा सेट ही अब हो गया मेरे पास. तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा पसंद आ गई है, अमीश फैन बॉय बोल सकते हो, शिवा ट्रायोलॉजी की पूरी सीरीज. फिर हमारी आती है अभी सबसे लेटेस्ट बुक जो है धर्मा. फिर आती है हमारी सुखदेव, दिस इज़ अ रियली गुड बुक आई वुड से. ये तो आप पढ़ो, अगर आप इंडियन हो तो आपको ये बुक पढ़नी ही पढ़नी चाहिए. फिर है शशि थरूर की वाया मैं हिंदू, इट्स अ गुड बुक, यू कैन रीड इट. फिर भगवद गीता हिंदी में है, क्योंकि हिंदी अपनी कहते हुए शर्म आती है, पर उतनी अच्छी है नहीं रीडिंग, स्पेशली रीडिंग अच्छी करनी है उसके लिए रोज दो चार पेज पढ़ते हैं इसके. अगले सेट पे चलते हैं, एंड दिस इज द लास्ट सेट, फाइनली लाइट वेट सब हिला दिया हमने. लास्ट सेट पे हम आ गए हैं, इसमें है स्मॉल टाउन रस्किन बॉन्ड्स की, काफ़ी अच्छी है ये इनिशियल स्टोरी, वही है रीडिंग डेज पे ही है. 13 रीजन वाई टीवी शो से पहले मैंने पढ़ी थी, फिर अगेन फ्रॉम माय इनिशियल रीडिंग डेज. कुछ बुक्स मैंने रखी हैं क्योंकि दीज वर गुड बुक्स, मतलब हो सकता है वन टाइम रीडर, पर अच्छी बुक्स. क्राइम एंड पनिशमेंट सबको अच्छी लगेगी नहीं है, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, मेरे को ओकेश लगी. अगेन अ बायोग्राफी, रैंडम बुक आई पिक्ड, 50 रुपये की मिल रही थी तो मैंने उठा ली, ठीक ठाक स्टोरी थी. ऑर्फनिक्स इट्स अ गुड बुक, बट आई वोंट रिकमेंड आप उसको जाओ नहीं खरीदो, सेकेंड हैंड कहीं से मिल रही तो ले लेना. अगेन रैंडम बुक पापा की कलेक्शन से उठाई हुई, एंड भाई ने दी थी ये, मैंने ले ली किला मॉकिंग बर्ड, मेरा भाई इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ता ही तो मैंने ले ली. तो इसी के साथ ख़त्म होता है मेरा बुक कलेक्शन. आई नो बहुत बड़ा बुक कलेक्शन नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, इट्स अ डिसेंट साइड बुक कलेक्शन. आपको क्या लगता है मेरे को कौन कौन सी बुक्स इसमें ऐड करनी चाहिए, नीचे कमेंट्स में बताओ. खास बहुत ज़्यादा हो रहा है, शायद मैं तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को रेड ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है इसलिए. बट ये था मेरा बुक कलेक्शन. अनहॉल में वीडियो करूँगा तो उसके लिए अगर आपको अपडेट्स एकदम से चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, नहीं तो आप कभी कभी चैनल आके चेक कर लेना तो आपको मिल जाएगी. तो अनहॉल मैं करूँगा, जल्दी करने की कोशिश करूँगा, और हॉल वीडियोस भी सोच रहा हूँ बनाने की जब भी मैं बुक्स ऑर्डर करूँ. तो अगर आप उन सब में इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना. बस तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. देखा जाए तो अब शुरू का असली काम, इन सबको वापस रखने का. सैड, सबसे मुश्किल काम है वीडियो बनाने का ये.